मध्य प्रदेश में नई सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं गर्म है। खबर है कि इस बार बदलाव की आहट है। मंत्रिमंडल में इस बार नए लोगों को मौका दिए जाने की सुगबुगाहट है। सूत्रों के मुताबिक तीन बार मंत्री रह चुके नेताओं को मंत्रिमंडल में शायद जगह न मिले। अलग अलग स्तर पर मंथन कर मंत्रियों के चयन का फॉर्मूला तैयार किया गया है। पहली सूची में सभी संसदीय क्षेत्रों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिल सकता है। मंत्रिमंडल में कोई कोटा सिस्टम भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की दिल्ली में हुई बैठक में इस तरह के फैसले किए जाने की खबर है। 18 से 22 दिसंबर के बीच किसी भी दिन नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। पहली सूची में 15 से 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यह भी खबर है कि लोकसभा चुनाव तक मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखे जाने पर सहमति बन गई है। तो लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की नजर है, चुनिंदा लोगों पर दाव लगाने की तैयारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। दुर्गेश, इस बार किस तरह से मंत्रिमंडल जो है वो बनेगा, क्योंकि तमाम जो इसमें क्राइटेरिया ध्यान में रखकर चयन किया जा रहा है, लेकिन फोकस किस पे रहेगा ज्यादा? बिल्कुल वर्षा, स्पष्ट तौर से अगर देखा जाए तो इस बार के मंत्रिमंडल को लेकर कई चौंका देने वाले नाम निकलकर सामने आ सकते हैं। कई ऐसे नए चेहरे होंगे जिनको मौका दिया जा सकता है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो फॉर्मूला तैयार किया है वो दो पैटर्न में भारतीय जनता पार्टी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। सबसे पहला पैटर्न यह होगा कि जो तमाम लोकसभा सीटें हैं, यानी कि 29 लोकसभा सीटों से प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरों को भारतीय जनता पार्टी इस बार मौका दे सकती है। लोकसभा चुनाव है 3 से 4 महीने के बाद में, तो लोकसभा चुनाव को साधने के लिए, वोटरों को साधने के लिए, वहां के नेताओं को साधने के लिए, जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संसदीय क्षेत्र से एक मंत्री दे सकती है। दूसरे पैटर्न की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार गुजरात फॉर्मूला भी मध्य प्रदेश में लागू कर सकती है। जिस तरीके से गुजरात में हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वहां पर नो रिपीट सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया था, यानी नो रिपीट फॉर्मूला, कोई भी ऐसा जो कि 3 बार से मंत्री है या 3 बार तक मंत्री रह चुका है उसको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी थी गुजरात में। इसी पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी काम कर सकती है कि जो 3 बार तक मंत्री रह चुका है वह उसको इस बार मंत्रिमंडल से बाहर रखा जाएगा, यानी कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि जो लंबे समय से मंत्री पद पर हैं उनको, उनकी जगह पर नए चेहरों को इस बार भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है। जी बिल्कुल दुर्गेश, लेकिन हम ये मानकर चले कि लोकसभा चुनाव भी अब नजदीक है और ऐसे में मंत्रिमंडल को छोटा रखा जाएगा। बिल्कुल वर्षा, स्पष्ट तौर से अभी 10 से 12 नेताओं पर सहमति बन रही है। जिस तरीके से बीते हुए दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा के साथ में जो केंद्रीय नेतृत्व नितिन गडकरी, अमित शाह, भूपेंद्र यादव के यहां पर लंबी चर्चा हुई, रणनीति बनी मध्य प्रदेश के कैबिनेट को लेकर। इस कैबिनेट को लेकर अगर बात की जाए तो 10 से 12 मंत्रियों की सुगबुगाहट चल रही है कि 10 से 12 विधायक जो है मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और यह विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी दिन फरमान आ सकता है केंद्रीय नेतृत्व से कि इन लोगों को मंत्री बनाना है और उसी दौरान पर ही 18 से 22 तारीख के बीच में मंत्री बनाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो सूची लेकर दिल्ली पहुंचे था वरिष्ठ नेतृत्व दुर्गेश, तो क्या ऐसे में मोहर लग चुकी है, बस ऐलान बाकी है? बिल्कुल कहा जा सकता है वर्षा कि यहां पर जिस तरीके से बीते हुए दिन दिल्ली में तमाम नेताओं की चर्चा हुई, तमाम नेताओं के बीच में चर्चा के दौरान पर रणनीति बनी है और लिस्ट बना दी गई है। लिस्ट बनाने के साथ साथ में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ दुर्गेश, जो सांसद इस्तीफा देकर पहुंचे और ऐसे में प्रहलाद पटेल, रीति पाठक, राव उदय प्रताप सिंह, क्या इन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी? और साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय, बड़ा चेहरा है, उन्हें भी जिम्मेदारी कैबिनेट में दी जाएगी? बिल्कुल कहा जा सकता है स्पष्ट तौर से तमाम दिग्गज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से देखा था कि तमाम दिग्गज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था, क्योंकि उनको एडजस्ट करने के लिए लोकसभा चुनाव के समय वोटरों को साधने के लिए उन वरिष्ठ नेताओं को साधना होगा, इस वजह से इन तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए।